बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, व्यूअर्स कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी अच्छी हूँ। तो व्यूअर्स, आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ रेसिपी मिर्च पकौड़े की। तो चलिए हम बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इसमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी। तो देखिए, मिर्च पकौड़ों के लिए सबसे पहले हम ये आलू लेंगे, और आलू को मैंने बॉईल करके रख लिया है। छोटे साइज़ के ये आलू हैं, तो ये जो है बॉईल करके रख लिया। अब हम इसे मैश कर लेंगे अच्छी तरह से। तो हमें इसको बहुत बारीक वाला मैश नहीं करना है, ऐसे ऐसे करके थोड़ा थोड़ा हमें कर लेना है। तो पैन में मैंने 1 टेबल स्पून ऑयल डाल दिया है, और ऑयल को गर्म होने देते हैं। तो तेल देखिए इधर गर्म हो गया है, तो अब हम इस तेल में डाल देंगे ये 1/4 टीस्पून मेरे पास राई है, ये डाल देंगे, और जीरा भी हम डाल देंगे 1/4 टीस्पून। तो जब ये सब चीज़ें अच्छी तरह से चेक करते हैं, तब हम इसमें आलू को शामिल करेंगे। तो देखिए ये दोनों चीज़ों में कलर आ गया है पिंक का। अब हम इसमें डाल देते हैं करी लीव, जिससे कि इसमें बहुत अच्छी सी टेस्ट भी आता है और खुशबू भी आती है। तो चलिए अब हम इसमें मैश किए हुए आलू भी शामिल कर देते हैं। तो अब हम इसमें कुछ स्पाइसेस डालेंगे, जिसमें कि ये है कुटा हुआ पिसा हुआ धनिया है, ये 1/2 टीस्पून है, और आलू मैंने 1.5 पाव लिए हैं, और ये है काला नमक 1/4 टीस्पून है, और ये मैंने अजवाइन ले ली है, जिसे हम हाथ में थोड़ा सा मसल के डालेंगे, जिससे कि मसल के डालने से इसमें बहुत अच्छी सी खुशबू आ जाती है। और इसमें हम लाल मिर्च का यूज़ नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अगर आप मिर्च ज़्यादा खाते हैं तो आप डाल भी सकते हैं, क्योंकि मिर्चों में जो हम जिस मिर्च को बनाएंगे उसमें हल्की सी तेज़ी होती है। तो हम इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अब हम इसमें सफ़ेद नमक भी डाल देंगे थोड़ा सा। तो क्योंकि हम लोग मिर्च थोड़ी सी कम खाते हैं, तो इसलिए हम इसमें लाल मिर्च नहीं डाल रहे हैं। तो अब हम इसमें 1 चुटकी हींग हल्दी डाल देते हैं और इससे इसका कलर भी बहुत अच्छा हो जाता है, और टेस्ट भी इसमें बहुत अच्छा आता है। अब हम 1 से 2 चुटकी इसमें पिसा हुआ जीरा डाल देंगे, और थोड़ी सी हम इसमें हींग डाल देते हैं 2 चुटकी। तो देखिए ये मज़ेदार सा आलू बनके रेडी हो रहा है यहाँ पे। अब हम इसे अच्छी तरह से भून लेते हैं लो मीडियम फ्लेम पे। हम आलू को भूनेंगे और तो देखिए अब आलू रेडी हो चुके हैं। अब हम इसे हटा लेते हैं। अब हम बेसन लेकर के उसका बैटर हम तैयार करेंगे। तो अब हम बैटर तैयार करते हैं मिर्च पकौड़ों के लिए, जिसके लिए मैंने 1 कप ये बेसन ले लिया है, छना हुआ साफ बेसन है। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे, और इसका हम एक घोल तैयार करेंगे, और इसमें हमें कुछ स्पाइसेस भी डालना है, जो कि इस तरह है कि 1/4 टीस्पून हम इसमें डाल देते हैं जीरा पाउडर, ताकि ऊपर से भी कुछ इस टेस्ट इसका लगे, और कुटी हुई लाल मिर्च हम ऊपर डाल दे रहे हैं बेसन में 1/4 टीस्पून, और ये कुटा हुआ भुना हुआ धनिया है ये हम डाल देंगे, और हम इसमें डाल देंगे थोड़ा सा नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग। इसको हमें मिक्स कर लेना है। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे, और बैटर हमें ऐसा तैयार करना है ना बहुत रनी हो ना बहुत गाढ़ा हो। हाँ, तो देखिए ये बैटर अब रेडी हो चुका है। हम इसे इतना ही पतला रखना है हमें। अब हम इसमें क्या करेंगे कि 1 चुटकी हम खाने वाला सोडा इसमें डाल देंगे, और सोडा हमें लास्ट में ही डालना है, और इसे मिक्स कर देना है अच्छी तरह से। चलिए अब हम मिर्चों की तरफ आते हैं। तो देखिए मिर्ची हम इस तरह की मोटी मिर्ची लेंगे, और इसे हम बीच से ऐसे काट देंगे, पूरा नहीं काटना है, बीच से हमको सिर्फ इतना चेक करना है इसे इस तरह से, ताकि इसमें हम आलू भर सकें। तो इस तरह से हम सारी मिर्चों को भर लेंगे। तो हम इन आलुओं में ये हरा धनिया डाल देते हैं, और इसे हमें अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है चम्मच से हरा धनिया भी। और हम आलू से मिर्चों को भरेंगे।
तो देखिए इस तरह से हम सारी मिर्चों को हम भर लेंगे आलू से भर भर। तो व्यूअर्स देखिए बेसन मैंने इस गिलास में ट्रांसफ़र कर लिया है और ये सारी मिर्चें भर चुकी हैं। तो गिलास में इसलिए रखा है क्योंकि इसमें हम डिप करेंगे तो आसानी रहती है मिर्चों को। तो इधर मैंने ऑयल भी चढ़ा दिया है, गर्म हो चुका है। अब हम इसको इस तरह से इसमें डालेंगे और देखिए ये कितने आराम से ये निकल रहा है और ये कितना अच्छा कोट हो चुका है। तो जो एक्स्ट्रा का है बेसन वो हम इस तरह से इसमें निकाल देंगे और ऑयल को हमें बहुत ज़्यादा तेज नहीं रखना है, बस हम इसमें डालते जाते हैं। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। तो व्यूअर्स देखिए ये कितनी मज़ेदार सी बनके रेडी हो रही है। और जिस किसी ने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ मुझे वन टाइम सब्सक्राइब करें, लाइक एंड शेयर करें। इसी तरह से हम सारी मिर्ची डाल देंगे। तो व्यूअर्स देखिए ये मिर्ची अच्छी तरह से फ्राई हो गई है दोनों तरफ से। तो चलिए अब हम इसे निकाल लेते हैं। तो आप देख सकते हैं ये मज़ेदार से मिर्च के पकौड़े बनके रेडी हो चुके हैं और इसे अब हम कट करते हैं और ये बहुत ही क्रिस्पी और टेस्टी बने हैं। तो अब हम इसे खाएंगे ग्रीन और ग्रीन चटनी और टमाटो सॉस के साथ। आपका जिससे भी दिल चले चाहे आप उसके साथ खा सकते हैं। और ये मेरे पास जो ग्रीन चटनी है ये बहुत स्पाइसी वाली नहीं है। तो देखिए ये अंदर से भी कितने मज़े के देखने में लग रहे हैं। तो उम्मीद है कि आप सबको मेरी आज की मिर्च पकौड़े की रेसिपी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, दुआएं मुझे याद रखें और बेल आइकन को प्रेस करें और मेरी वीडियोस को फुल वॉच किया करें। तो चलिए फिर मिलेंगे अगली एक मज़ेदार सी रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।